नहीं, उनके हृदय में तो बुद्धि की स्थिरत्व अनायास ही आ जाती है। देखिए कितनी सुंदर हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है। अगर आप देखोगे तो माँ सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में वीणा है। माँ वीणा पुस्तक धारिणी, एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है। हमारा एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन है। ब्रेन एक है, उसके दो पार्ट है। लेफ्ट ब्रेन को तर्क पसंद है, ज्ञान और विज्ञान पसंद है, और राइट ब्रेन को कला पसंद है, संगीत पसंद है। अगर केवल संगीत संगीत कला 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 में रहोगी तो अहंकार और भ्रम से गिर जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे कलाकार बहुत भावुक होते हैं, भावना में बह जाते हैं। और दूसरा है ज्ञान, लेफ्ट ब्रेन, और लेफ्ट ब्रेन का पोषण होता है ज्ञान से, तर्क से, विज्ञान से। और केवल तर्क में रहोगे, केवल ज्ञान में रहोगे तो नीरस हो जाओगे, कोई रस नहीं रहेगा जीवन में। लंबे लंबे चेहरे लेके घूमोगे, प्रसन्नता मुस्कुराहट भूल जाओगे। इसलिए लेफ्ट और राइट ब्रेन का ठीक से बैलेंस होना जरूरी है, संतुलन होना जरूरी है। इसलिए कलाकारों की भी उपासना माँ सरस्वती से है और विद्वानों की उपासना माँ सरस्वती से है। कलाकार भी माँ सरस्वती को ही अपने इष्ट मानते हैं और विद्वान ज्ञानी महामनीषी वो भी देवी सरस्वती को ही अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए माँ वीणा पुस्तक धारिणी शारदा नमो, शारदा नमो, शारदा माता नमो, शारदा नमो, शारदा नमो, शंकराचार्य जी द्वारा रचित अगर सबसे पहले किसी पीठ की रचना की है आदि शंकराचार्य जी ने तो वो है श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ जहाँ माँ सरस्वती जी का स्थान है। आप अनुभव करिएगा, कभी श्रृंगेरी जाने का आपको अवसर मिले तो श्रृंगेरी में वह एक संथलय में अनेकों अनेकों भक्तगण ललिता सहस्रनाम कहते रहते हैं। माँ की ऐसा अद्भुत विग्रह का दर्शन आपको होगा जहाँ माता अपने हाथों में वीणा धारण करी, लाल लाल सुंदर जिसको किनारे हैं ऐसे श्वेत वस्त्र धारण किए। श्रृंगेरी नमस्ते शारदे देवी, श्रृंगेरी पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। नमो शारदा माता।
हरी माँ। दोनों हाथ उठाते ताली बजाते। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ। दोनों हाथ उठाए ताली बजाए, बड़े भाव से गाए, माँ भगवती देवी सरस्वती, माँ सरस्वती जगदम्बा, जगदम्बा का ध्यान भी करे और दर्शन भी करे। आइए, जय जय माँ, जय 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 माँ, 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 जय जय माँ, उठाते। यहाँ केवल हम माता सरस्वती का ही नहीं, साथ ही साथ माँ भगवती सरस्वती अम्बे मैया के साथ अर्धनारी नटेश्वर शिव शक्ति का भी दर्शन कर रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ सरस्वती केवल एक व्यक्ति नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों के मध्य में समाश्रित ज्ञान की शक्ति है। इसलिए इस ज्ञान की शक्ति का जय जयकार दोनों के रूप को एक में ही भज कर करते हैं। आइए, दोनों अलग अलग भजेंगे तो हो सकता है हम द्वैत में चले जाए, पर अद्वैत जहाँ शंकराचार्य जी अद्वैत ज्ञान सुनाते हैं, वहाँ शिव और शक्ति एक ही है। क्या होता है, हम बार बार रूप में आते हैं और स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए तो हमने कथा को आरंभ इसी से किया कि हम माता के रूप तक पहुँच जाएंगे पर स्वरूप तक पहुँचना पड़ेगा। हमारा रूप क्या है, शरीर हमारा रूप है, और इसीलिए हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। पर शरीर अगर सब कुछ समझते हैं तो शरीर के साथ जो भी संबंध है, शरीर भी नश्वर है तो साथ ही साथ संबंध भी तो नश्वर है। पर एक बात निहित है, अपने रूप को भूलकर स्वरूप को अपनाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक होता है। आप भगवान शिव जी को श्रृंगार कराओ, भस्म चढ़ाओ, सुंदर श्रृंगार कराओ, और फिर कोई थोड़ी देर बाद आता है और जल का अभिषेक करते हुए फिर से एक बार निराकार ओंकार मूलम तुरियम, कितना भी सुंदर शिव जी को श्रृंगार करो, फिर कोई जल आके चढ़ाकर फिर एक बार उनको निराकार कर देता है। ये जगत को ये बताने के लिए कि हम इस आकार को स्वरूप समझ लेते हैं, पर ये तो रूप है। जब जल चढ़ता है, अभिषेक होता है, तो ही वास्तविक स्वरूप निराकार दिखाई देता है। तो आइए, माँ भगवती जगदम्बा जो चराचर व्याप्त है, ऐसे शिव शक्ति का दर्शन करें। दोनों हाथ उठाते और काशी में सबसे प्रचलित जो भजन है वो मिलके गाएंगे। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ भगवती की कृपा से अन्नपूर्णा माता के साक्षी में भगवान विश्वनाथ जी के आगे काशी क्षेत्र में वाराणसी में रामनगर में राम कथा करने का अवसर मुझे मिला। वहीं से अनेकों लोगों ने आमंत्रित किया था। हर दिन आरती के बाद ये भजन कहते थे, और जब वो भजन मैं सुनती थी तो ऐसा लगता था मानो शिव शक्ति यही आके विद्यमान हुए हो। तो आइए, ऐसे ही शिव शक्ति का भजन करते हुए माँ अन्नपूर्णा और विश्वनाथ जी काशी नाथ का नमन और गायन करते हुए गए। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, हम
सब इनके संग डोले। बम भोले बम भोले हर हर शंकर बम भोले। सरस्वती जगदम्बा की जय हो। आइए आरती करेंगे और इसी के साथ यह इस सत्र को विश्राम देंगे। कल के सत्र में हम बड़ा आनंद कल के सत्र में लेंगे, क्योंकि कल कथा के चतुर्थ दिन का आनंद लेते हुए हम श्री कृष्ण जन्म के साथ साथ देवी अष्टभुजा माँ भगवती का प्रागट्य देखने वाले हैं। तो कल अष्टभुजा माँ भगवती का प्रागट्य होगा। आप इस पूरे क्षेत्र को सुंदर सजाइए। माँ भगवती यहाँ आने वाले हैं तो विचार करिए इस क्षेत्र को कैसे सजा सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं, उस अनुसार इस क्षेत्र को सुंदर बनाइए। अन्य की कथा आने वाले सत्र में श्रवण करेंगे।